छतरपुर जिले के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज के द्वारा 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक होने वाली हनुमत कथा को स्थगित करने का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जारी किया गया, जिसमें उन्होंने जानकारी देते हुए बताया है कि कानपुर में होने वाली 5 दिवसीय हनुमत कथा, जिसमें उत्तर प्रदेश के वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए स्थगित किया गया, जिसकी जानकारी स्वयं बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा दी गई है। हम आपको बता दें कि बयान जारी करते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक सद्भाव ना बिगड़े और किसी भी आस्थाओं को ठेस ना पहुंचे, इसी को लेकर कथा को स्थगित किया गया है और आने वाले समय में अनुकूल समय में हनुमान जी की प्रेरणा से समूचे उत्तर प्रदेश को राममय और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ पुनः आएंगे और फिर हनुमत कथा होगी। हम आपको बता दें कि वर्तमान समय में यूपी में 144 धारा लागू होने के कारण 5 दिवसीय हनुमत कथा जो कि 17 से 21 अप्रैल तक होनी थी, उसी को स्थगित किया गया है। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, विश्व का कल्याण हो। वर्तमान समय की परिस्थितियां देखते हुए उत्तर प्रदेश में जो वर्तमान में स्थिति निर्मित हुई है, तो प्रत्येक व्यासपीठ का और आचार्य का कर्तव्य है कि समूचे विश्व कल्याण के हित के लिए सोचना व विचार करना चाहिए। इसी भाव को प्रमुखता देते हुए वहां की सरकार, वहां के निवासी रहने वाले लोग, जिससे किसी भी प्रकार की धार्मिक सद्भावना ना बिगड़े व किसी भी प्रकार से किसी के हृदय को ठेस ना पहुंचे, तो 17 अप्रैल से 21 अप्रैल तक 5 दिवसीय होने वाली श्री हनुमंत कथा को वहां की जो, चूंकि हमने भारतीय संविधान को स्वीकार किया है और हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया है, तो उसका निर्वाहन करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है। इसलिए 144 धारा वहां लागू है, तो हमें लगता है ऐसी परिस्थिति में राष्ट्र हित के लिए और प्रदेश के उत्थान और हित के लिए कथा को आगामी समय तक की तारीख आगे बढ़ानी चाहिए। इसलिए 17 तारीख से होने वाली 21 तारीख तक की हनुमंत कथा वर्तमान में कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दी गई है। आगामी समय में हम आएंगे, बहुत अनुकूल समय जब हनुमान जी प्रेरणा देंगे, उसी अनुकूल परिस्थिति में आकर के पुनः समूचे उत्तर प्रदेश को राममय बनाने के लिए और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ हम पुनः आएंगे। और आप सभी भी ऐसे माहौल में सबके हित की देखते हुए, ताकि किसी का भी हृदय विदीर्ण ना हो, ऐसे कार्य करें जिससे विश्व का कल्याण हो और समाज का उत्थान।